नमस्कार, कथक की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसे कि कथक जब भी हम सीखने जाते हैं, हमें सबसे पहले घुंघरू बांधना सिखाया जाता है, वैसे ही इस पाठशाला में आज मैं आपको घुंघरू बांधना सिखाऊंगी। चलिए हम अपने घुंघरू निकाल लेते हैं। बस सबसे पहले हम रस्सी को अपने अंगूठे से लपेटकर ऐसे लपेटना शुरू करेंगे। इसे पांच पांच लपेटते जाएंगे। कितना लिपटाता है ये आपके घुंघरू के छलों के हिसाब से दिखता है कि आपके इसमें कितने घुंघरू हैं। जब ये रस्सी बन ये हमारे घुंघरू लपेटा जाए, उसके बाद फिर यहाँ की रस्सी खोल के ऐसे ऊपर लाके इसे दूसरी रस्सी के साथ बांधना है। ये देखिए, फिर इसमें एक नॉट बांध देना है। ये आपके घुंघरू बन गए हैं। वैसे ही हम दूसरे पैर का भी घुंघरू बांध देंगे। इसी प्रकार दोनों पैर के घुंघरुओं को बांधा जाता है। इसके बाद मैं आपको भूमि प्रणाम सिखाऊंगी, जो कभी भी हम कथक करने से पहले उसे किया करते हैं। सबसे पहले हमें अपने हाथों को इस प्रकार रखना है, हमें अपने अंगूठों को चिपकाए रखना है इस प्रकार, और उसके बाद सबसे पहले हमें एक पैर मारते हुए इधर हाथ ले जाके फिर उसे वापस लाना है, फिर दूसरे हाथ को ले जाके फिर वापस लाना है। एक बार आप पैर भी देख लीजिए, अब पहला और वापस, दूसरा फिर वापस, फिर हमें अपने दोनों हाथ को ऐसे घुमाते हुए ऐसे आ रहा है। अब फिर से देखिए, पहले एक पैर मारते हुए ये, फिर दूसरा पैर मारते हुए ये, फिर हाथ को ऐसे मोड़ते हुए नीचे बैठ के धरती को प्रणाम कर हाथ जोड़ना है, फिर हमें ऊपर उठ के अपने हाथों को यहाँ से ऐसे निकालते हुए अपने हाथ को ऐसे रखना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा हमारा अंगूठा बंद रहे और हमारा हाथ सटीक रहे। इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 8 में हमें अपने पैर को पीछे रखना है इस प्रकार ऐसे, और ये 8। आज की पाठशाला में हमने घुंघरू बांधना
एवं भूमि प्रणाम सीखा, जो हमारे कथक क्षेत्र में सबसे पहले सिखाया जाता है। चलिए अब हम अगली पाठशाला में मिलते हैं, तब तक आप इसका अभ्यास करिएगा। अगर आपको हमारी पाठशाला के साथ जुड़े रहना है तो मेरे चैनल वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।